बीजेपी अपने कोटे से उपेंद्र कुशवाहा को तो राज्यसभा भेज रही है, लेकिन कई ऐसे नेता और भी हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका क्या होगा? जैसे कि पशुपति पारस हो गए, आरसीपी सिंह हो गए और अश्विनी चौबे हो गए। इन लोगों का भविष्य क्या है राजनीति में? हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संजीव पाठक जी हैं, उन्हीं से जानते हैं। पाठक जी, क्या लगता है अश्विनी चौबे, पशुपति पारस, आरसीपी सिंह, इनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया है या अभी बाकी है? जहाँ तक अश्विनी चौबे के करियर का सवाल है, तो अश्विनी चौबे इस बार लोकसभा के चुनाव में हाशिए पर डाल दिए गए। भाजपा का जो थिंक टैंक कहा जाता है, उन्होंने इनकी उपयोगिता को नकार दिया। अब इसी का परिणाम है कि अश्विनी चौबे बगावती मूड में नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिना नाम लिए ही प्रदेश अध्यक्ष को आयातित उम्मीदवार बताया था, आयातित व्यक्ति बताया था, आयातित माल आयातित माल बताया था। जी। तब अब चूंकि अश्विनी चौबे के संदर्भ में ये जानना जरूरी है कि अश्विनी चौबे का व्यक्तित्व क्या है, तो अश्विनी चौबे छात्र संघ के अध्यक्ष से अपनी राजनीति की पारी की शुरुआत किए थे। 1995 में ये पहली बार विधायक बने थे और 2014 तक लगातार भाजपा के विधायक रहे। जी फिर 2005 से 2013 तक नगर विकास मंत्री के रूप में, बिहार सरकार में पीएचडी मंत्री के रूप में, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इन्होंने अपना योगदान दिया। अब इतना ही नहीं, इनका जो राजनीतिक करियर है वो अब तक इन्होंने हार का सामना नहीं किया है। 2014 में पहली बार इनको बक्सर लोकसभा सीट से भाजपा अपना उम्मीदवार बताई और यह भाजपा की कसौटी पर खरे उतरे, चुनाव जीते। तब ये सांसद बने और सांसद बनने के बाद इनको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मिला केंद्रीय सरकार में। लेकिन दो बार लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद इनको बेटिकट कर दिया गया और इनके बेटिकट होने से तमाम उम्मीदों पर, इनकी तमाम उम्मीदें धरी की धरी रह गई तीसरी बार लोकसभा में जाने का। लेकिन अब अश्विनी चौबे संघ से जुड़े हुए लोग हैं, संघ पर इनकी पकड़ मजबूत है। ये संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के सीधे से संपर्क में हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जो छात्र राजनीति से अपनी पारी की शुरुआत किया था, एकाएक हाशिए पर वो तो नहीं जा सकते हैं, तो वो बिहार सरकार में या बाहर के आए हुए लोगों पर भाजपा में तंज कसते दिख रहे हैं और इनके बयान से भाजपा असहज प्रतीत हो रही है। तो ये असहजता इन भाजपा की कहाँ तक जाएगी? क्या इन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाएगा या इन्हें राज्यपाल बनाकर कहीं सेट कर दिया जाएगा? नहीं, यह देखिए देखिए, दो तीन संभावनाएं हैं। देखिए, एक तो जो उनकी उम्र हो चुकी है, तो 2029 में संभावनाएं क्या दिखती है आपको, एक एक करके आप जरा जी बताएंगे। 2029 में संभावनाएं बनती है या 2025 से बिहार विधानसभा चुनाव में उनको लड़ाया जाता है, या फिर मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाता है, राज्यपाल बनाया जाता है, या फिर हाशिए पे धकेल दिया जाता है? क्या लगता है इसमें? जी अभी अभी जो चर्चा है, उस चर्चा की माने तो अब इनको लोकसभा का टिकट मिलना मुश्किल लगता है। जी ये 2029 में इनकी पारी फिर से शुरू होगी, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर इनकी पारी समाप्त नहीं करना रहता तो इनको बेटिकट नहीं किया गया होता। विधानसभा चुनाव में क्या लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं? विधानसभा चुनाव में भी इनकी संभावना कम है। इनकी संभावना
ये है नहीं, मैं कि आप इसलिए बोल रहा हूँ चूंकि इस लोकसभा चुनाव में या फिर जो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड इन सब जगहों पे, हिमाचल वगैरह पे जो चुनाव हुआ है, उन सब जगहों पर कई केंद्रीय मंत्रियों को भी लड़ाया गया है विधानसभा का चुनाव, राजस्थान में जी भी। जी तो क्या इनके साथ भी ऐसा हो सकता है? बीजेपी कुछ ऐसा सोच रही है लगता है आपका आपको? अब तो चूंकि बीजेपी की जो सोच थी उस सोच में बड़ा बदलाव आया है चुनाव परिणाम के बाद, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जी बीजेपी की सोच अब बदल गई है। बीजेपी पहले वाली बीजेपी नहीं रही, अब उन्हें गठबंधन के सरकार को चलाने का अनुभव प्राप्त करना होगा और गठबंधन के सरकार की दुश्वारियों से इन्हें रूबरू होना होगा। तो बीजेपी इन्हें चुनाव लड़ाएगी यह कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इन्हें कहीं का राज्यपाल बना के भेजा जाएगा, क्योंकि इनकी छवि अब तक बेदाग रही है, कोई बड़ा गंभीर आरोप इन पर नहीं लगा है, तो इनके राज्यपाल बनने की संभावना ज्यादा है। अच्छा, आप वैसे पारस जी, वैसे ये विधानसभा के चुनाव में अगर आएंगे तो सबसे भाजपा के वरिष्ठतम व्यक्तियों में होंगे, तो फिर भाजपा ये नहीं चाहेगी कि इनका दूसरा दावा मजबूत हो, राज्य सरकार में भी इनका दावा मजबूत हो। अच्छा तो जी, पारस जी के बारे में क्या नजरिया है? तो और पारस जी की बात है कि पारस जी की राजनीतिक पारी का अंत करीब करीब अब सामने दिख रहा है, जी क्योंकि पारस जी अब तक जो चुनाव जीते हैं वो चुनाव अपने भाई राम विलास पासवान को आगे करके चुनाव जीते हैं। ये जी 1970 से अलौली सीट से 6 बार विधायक रहे हैं जी और विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं, है ना। जी और केंद्र में जब गए, जब इन्होंने रामविलास पासवान की पार्टी को तोड़ा, चिराग पासवान को अलग किया, तो केंद्रीय मंत्री भी बने, लेकिन वो सब चुनाव ये अपने भाई के नाम पर जीते हैं। जी जी हालांकि ये कहना थोड़ा सा कड़ा है, इनके जो समर्थक हैं वो असहज भी हो सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि अब तक पशुपति कुमार पारस अपने बल पर राजनीति में कोई भी दमखम नहीं दिखाया जी जी है। ये सिर्फ अपने भाई रामविलास पासवान के पीछे रहकर राजनीतिक उपलब्धियों को हासिल किया है। और अब चुटी रामविलास पासवान की विरासत चिराग पासवान ने संभाल ली है, उत्तराधिकारी एक तरीके से स्टेब्लिश हो चुके हैं, तो इनके लिए संभावनाएं छिन लग रही है आपको? इनके लिए संभावनाएं छिन लग रही है। वैसे राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि राजनीति में पूछ उसी की होती है जिसके पास वोट बैंक होता है, और वोट बैंक नहीं रहने से आदमी कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, उनको हाशिए पर जाना पड़ता है। तो वोट बैंक अब चूंकि रामविलास पासवान का जो वोट बैंक है, उस वो वोट बैंक चिराग पासवान के साथ जुड़ गया है, उतना ही नहीं कुछ अलग से एडिशनल वोट भी चिराग पासवान के साथ ऐड हुआ है। राज्यपाल के बारे में क्या राय है आपकी? राज्यपाल बनाए जा सकते हैं या फिर वो भी नहीं, बीजेपी उन पर? अब मुझे लगता है कि इनको राजनीति के हाशिए पर ही रहना होगा। विधानसभा चुनाव में भी इनको सीटें नहीं मिलने जा रही है नहीं, इनके मुताबिक? तरजीह इनको नहीं मिलेगी, इनको जी तरजीह नहीं मिलेगी, या हो सकता है विधानसभा में एक आध सीट इनको मिल जाए, इनको मिल जाए, फिर प्रिंस राज को मिल जाए, लेकिन ये जो राजनीति के केंद्र में रहकर राजनीति करते आए हैं वैसा अब इनके साथ नहीं होने जा रहा। प्रिंस राज के बारे में क्या है आपका? जी, प्रिंस प्रिंस राज को तो कहीं ना कहीं भाजपा एडजस्ट करने का प्रयास करेगी, क्योंकि जी प्रिंस राज युवा हैं, ऐसा भाजपा नहीं चाहेगी कि पासवान का एक वर्ग इनके व्यवहार से नाराज हो जाए। वैसे चिराग पासवान और प्रिंस राज के बीच की दूरियां धीरे धीरे कम हो रही है, तो हो सकता है चिराग पासवान विधानसभा के चुनाव में प्रिंस राज को कोई नई जिम्मेदारी दे दें। एक एक बड़े चेहरा हुआ करते थे कभी, अभी फिलहाल कहा जाए तो
हाशिए पे, ठीक शब्द होगा, हाशिए पे ही है, आरसीपी सिंह, नीतीश कुमार के आने के बाद से फ्रेम से गायब है, जी बीजेपी में है वो, लेकिन क्या लगता है उनका फ्यूचर, कुछ जी बीजेपी कुछ सोच रही है उनके बारे में या फिर ऐसे ही? एक्चुअली ये जो आरसीपी सिंह हैं, आरसीपी सिंह जमीनी स्तर की राजनीति इन्होंने नहीं किया है। ये ब्यूरोक्रेट्स थे, 1984 बैच के यूपी के कैडर आईएएस अधिकारी थे। 1996 में इनकी नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, उस समय जब तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के ये निजी सचिव हुआ करते थे, और वहीं से नीतीश कुमार के साथ इनकी बातचीत हुई, इनके विचार मिले, और ये नीतीश कुमार के लिए धीरे धीरे राम बनते चले। लेकिन नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना और ललन सिंह इन सबको नाराज करना, ये इन पर भारी पड़ा। ये जदयू से निकल गए और इन भाजपा इनको अपने शरण में ले ली। तो भाजपा इनको अपना तुरूप के पत्ता के रूप में इस्तेमाल करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं कि कब किसके साथ चले जाए। तो नीतीश कुमार के जाने के बाद या नीतीश कुमार से रिश्ता में दरार पड़ने के बाद आरसीपी सिंह को भाजपा इस्तेमाल करने का प्रयास करेगी, क्योंकि ये लव कुश समीकरण में फिट बैठते हैं। तो इसलिए आरसीपी सिंह के संबंध में ये कहना कि वो हाशिए पर रहेंगे, ये उचित मुझे नहीं लगता है। अस्तु लेकिन लेकिन नीतीश कुमार के रहने तक एनडीए में जी आरसीपी सिंह को बीजेपी कोई बड़ा पोजीशन देने जा रही है, ऐसा लगता है आपको? ऐसा तो नहीं लगता है, ऐसा तो तो नहीं लग रहा नीतीश कुमार के स्टैंड पर ही टिका हुआ है आरसीपी सिंह का जी का भविष्य। भविष्य। जी चलिए, मुझे लगता है कि दर्शक अंदाजा लग गया होगा पाठक जी की बातों से कि कौन किस भूमिका में आने वाले दिनों में नजर आ सकता है और बीजेपी किसके बारे में क्या सोच रही है। वैसे कुछ दिनों पहले तक कहा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं के नहीं थे, लेकिन अब चूंकि उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है तो ये कहा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा तो सेट हो गए हैं। इनका क्या होता है देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी।